शक्तिमान का नाम सुनते ही 90 के दशक का बचपन याद आ जाता है। वो सुपर हीरो जो न केवल दुनिया को बचाता था बल्कि हमें सच्चाई और अच्छाई का पाठ भी सिखाता था। अब वही शक्तिमान फिर से वापस आ रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है क्या ये आज की पीढ़ी से जुड़ पाएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शक्तिमान की वापसी की और इस बात की भी चर्चा करेंगे कि क्या मुकेश खन्ना इस रोल के लिए अब भी सही है या किसी नए चेहरे की जरूरत है। सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की जब शक्तिमान का जादू हर घर में छाया हुआ था। 1997 से 2005 तक दूरदर्शन पर शक्तिमान हर बच्चे का हीरो था, लेकिन उसकी सुपर पावर से ज्यादा लोग उसकी नैतिक शिक्षा को पसंद करते थे। हर एपिसोड के अंत में सिखाए गए पाठ सच्चाई, ईमानदारी और धर्म लोगों के दिल में गहराई से बस जाते थे। तब ना भारत में मार्वल का आयरन मैन था ना डीसी का बैटमैन, हमारे पास सिर्फ एक देसी सुपर हीरो था शक्तिमान। लेकिन आज के दर्शकों को हाई फाई विजुअल इफेक्ट्स और ग्लोबल सुपर हीरो की कहानियों की लत लग चुकी है। आज की पीढ़ी को ऐसे सुपर हीरो चाहिए जो मॉडर्न हो, उनकी लाइफ स्टाइल से मेल खाएं और फ्लैशी दिखें। शक्तिमान के लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज है। शक्तिमान के पुराने डायलॉग और स्टाइल उस समय के हिसाब से थे जो आज के यंग ऑडियंस को उतना पसंद ना आए। लेकिन सोचिए अगर नए शक्तिमान को ऐसे मुद्दे पर फोकस करते हुए दिखाया जाए जो आज के समय के हैं, जैसे मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरण और सोशल मीडिया का दुरुपयोग, तो ये न केवल जनता से कनेक्ट हो पाएगा बल्कि शक्तिमान को नई पहचान भी दिलाएगा। अब बात करते हैं मुकेश खन्ना की। शक्तिमान का नाम सुनते ही सबसे पहले वही चेहरा याद आता है, लेकिन एक बड़ी ऑडियंस यह भी कहती है कि अब इस किरदार के लिए किसी नए एक्टर को मौका देना चाहिए। मुकेश खन्ना ने खुद कहा है कि शक्तिमान उनका कर्तव्य है और इस किरदार को वो नई पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं। मेरा मानना है कि अगर शो को इस तरह से बनाया जाए कि मुकेश खन्ना एक गुरु की भूमिका में हो और किसी नए शक्तिमान को ट्रेन कर रहे हो, तो ये पुराने और नए दर्शकों के बीच सही बैलेंस बना सकता है। अब सवाल ये है क्या शक्तिमान मार्वल और डीसी के सुपर हीरो के सामने खड़ा हो पाएगा। देखिए मार्वल और डीसी सिर्फ सुपर हीरो नहीं बल्कि करोड़ों डॉलर की फ्रेंचाइजी हैं। लेकिन शक्तिमान की अपनी एक खासियत भी है, उसका देसी टच और नैतिक शिक्षा। अगर मेकर्स इसे यूनिक तरीके से भारतीयों के सामने रखते हैं जो कि मॉडर्न इश्यूज को एड्रेस करे, तो शक्तिमान की अपनी अलग पहचान बन सकती है। तो दोस्तों आप बताइए कमेंट में, क्या आपको लगता है कि शक्तिमान आज के सुपर हीरो के साथ मुकाबला कर सकता है और क्या मुकेश खन्ना को फिर से शक्तिमान बनना चाहिए या किसी नए चेहरे को मौका देना चाहिए।